अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? तो गाइस अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं ईद की नमाज़ के लिए। तो ईद की नमाज़ का जो है टाइम मेरे ख्याल से है ईदगाह में 8 बजे। तो गाइस अभी तो निकल चुके हैं और ईद की नमाज़ ईदगाह के दायरे में ही होगी। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पर जाके क्या स्थिति रहती है, क्या हमें ईदगाह में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। और अभी ना यहाँ के, तो पहले तो मैं एक बात की कहना चाहूँगा वैसे आपको, जो मैं कहना भूल गया, आप सभी को जय अहले वतन को जय है मेरी तरफ से जय है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए मैं आपको ना यहाँ से जो है बैक कैमरे का जो है कुछ व्यू देखता हूँ। तो कई ईद की नमाज़ के लिए जाना लोग जो है अपने अपने घरों से जो है पहले ही निकल चुके हैं, क्योंकि अलाउंस ये था पुलिस का कि जो है ईद की नमाज़ ईदगाह के दायरे में ही जो है अदा की जाए। तो ईद की नमाज़ ईदगाह के दायरे में ही हो। तो अभी ना जो है ना यहाँ पर ना जो है हम जो पहुँच चुके हैं ईदगाह में, और आपको जो है जूम करके दिखाऊँ मैं यहाँ से, तो ईदगाह तो अभी यह खाली पड़ी है। ये है मेरा जो है ऐसा है और ऐसा है मेरा मुस्तफा, इसके गुलाम बन के आओगे तो ऐसी इज्जत पाओगे। अगर इस गुलामी को ठुकराओगे तो कुत्ता तुमसे अच्छा होगा, खंजीर तुमसे अच्छा होगा। तो गाइस अभी ना जो है शहर काजी साहब जो है तशरीफ ला चुके हैं। गाइस इधर देखें आप, तो ये हैं शहर काजी साहब जो तशरीफ ला चुके हैं। ये शहर काजी साहब जो है तशरीफ ला चुके हैं। गाइस साल भर में एक बंदा मौका मिलता है जो आप शहर खाजा साहब और नदीम साहब जो जो ईदगाह में जो है नमाज अदा करेंगे जो है वो जो तस्वीर ला चुके हैं। आज मुजाहरा कीजिए, अपनी हुकूमत का मुजाहरा कीजिए, अपने अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए, आज मुजाहरा कीजिए कि ये उम्मत उम्मत वहदत है, ये उम्मत एक उम्मत है। इस उम्मत की अगर एक उंगली में तकलीफ होगी तो उसके पूरे जिस्म में तकलीफ होगी। बड़ा कदम बीच में कोई जगह खाली मत छोड़िए, अगर खाली जगह है तो पीछे वालों से कहिए कि वहां के आगे जगह पूर करें। मौलाना अपना खिताब मुकम्मल कर गाइस फाइनली जो है हम जो है ईद की नमाज है ईदगाह में जो है अदा कर चुके हैं। लोग अपने अपने घर पर जा रहे हैं। तो अभी ना जाए यहाँ से जो है ना अभी काजी साहब से जो यहाँ के शहर काजी साहब है उनसे मुसाफा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो है तो मुसाफा करना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी ना जहाँ से जाना सीधे हम बाहर की ओर चलते हैं, और ये जहाँ से जाना जो बाहर जो बाजार लगता है, जो जो लोग अपने अपने ठेले लगाते हैं, जैसे आज का जो है ना मैं आपको जो यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाऊंगा। तो चलिए गए हैं यहाँ से जो है ना सीधा बाहर चलते हैं। अब और एक बार हाँ यहाँ का जो है ना मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरे से कितनी भीड़ है। तो गाइस अभी ना जो मैं ईदगाह की जो है ना ईदगाह की दीवार पर चढ़ चुका हूँ। गाइस तो जैसे आप देखें तो जो है कितनी भीड़ है, ईदगाह अभी जो है ना 11 की खाली हो चुकी है। लाके ना ये लोग जय गले मिल रहे हैं। और इधर ना अभी 2 साल के बाद जो है लॉकडाउन के 2 साल बाद जो है अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो अभी ना इसी तरह जो है ठेलियाँ लगी हुई हैं। और जैसे देखिए इधर देख सकते हैं आप, ये लाइन से ठेलियाँ लगी हुई हैं। और इधर खिलौने के ठेले भी लगे हैं। Yeah.
इधर खिलौनों के ठेले भी लगे हैं, इसी तरह इधर खिलौनों के ठेले जिस साइड से हर साल लगते थे। और इधर देख सकते हैं आप जो है इसी तरह की लगी हुई लाइन से। इधर देखिए गाइस, और इधर भेलपुरी, गाइस भीड़ तो बहुत है। इतनी भीड़ में जो है ना ज्यादा कुछ खरीदना जो है मुश्किल होगा। अभी ना जो मैंने लिया है गुब्बारे वाला ही हवाई जहाज, तो गाइस अभी ना जो है मैं रुका हूँ रास्ते में और घर के लिए ले रहा हूँ मिठाई। ईदगाह से जाना जब हम घर जा रहे हैं घर के लिए मिठाई लेके जा रहे हैं यहाँ से, और ले रहे हैं खाने वाले गुलाब जामुन। ये है नदीम कॉलोनी का इलाका। फाइनली जो है ना हमें ईदगाह से जाना अपने घर पर आ चुके हैं ईद की नमाज अदा करके, और अभी मैं अली को दिखाना चाहता था आप लोगों को, लेकिन अभी अली सो रहा है। तो अभी हम ईद की जो मिठाई लाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईद की मिठाई है हम घर पे ला चुके हैं, और इधर अली सो रहा है। जो अली का हमने धोती कुर्ता लिया था उसमें अभी ये सो गया, तो अभी जब ये उठेगा ना उसका एहराम हम बांध के फिर मैं बाकी की वीडियो जब शूट करूँगा। तो गाइस अली ना जो है अभी देखो जो है अली ने जो है जूती पहन ली, और इसका जो है धोती कुर्ता है ना उसको ऊपर का जो है ना हमने एहराम ला के दिया था उसको, इसने बांध लिया हाजी वाला एहराम। ये देखो उसको अली। इस ब्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पर, और मैंने तो वैसे जो कपड़े चेंज कर दिए हैं। जब मैं मिठाई ली ना वहाँ से मैंने तो वो जो थैली फटी हुई थी तो उसका जो रस था ना वो मेरे कुर्ते पजामे पर रह गया है। अब तो आज जो मैंने कपड़े चेंज कर दिए, तो बस गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। और वीडियो पसंद आए हो तो जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।